तो दोस्तों आज हम बात करेंगे HPL इलेक्ट्रिक पावर के स्टॉक के बारे में। HPL इलेक्ट्रिक पावर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार अपट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी पिछले एक लंबे समय से हमको जो स्टॉक है वो लगातार यहाँ पर रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पर अपने इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में ऊपर यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक यहाँ पर 220 का लेवल इसको यहाँ ब्रेक करता है तो फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में फिर 245, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 280, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 320, और अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में 350-360 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नेक्स्ट अपर रेजिस्टेंस वहीं यहाँ से। अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो भाई यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 191 का पहला सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो हमको स्टॉक है 180, फिर इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 160 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट अपर सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।